हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम आपको संख्याओं की उछल कूद के बारे में बताएंगे। देखिए, आपको 1 से लेकर 100 तक की गिनती तो आती ही होगी। इसके बाद हम इसका अगला प्रयोग देखेंगे। निम्न संख्याओं का प्रयोग करके 2 अंकों की संख्या बनाओ। आपको यहाँ 3 4 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, 3 5 6 7। तो आइए सबसे पहले हम 3 अक्षर लेंगे। इस 3 के साथ हम बाकी अक्षर मिलाएंगे और दो दो अंक की संख्या बनाते चले जाएंगे। तो पहले 3 के साथ 5, 3 के साथ 6 और 3 के साथ 7। इसी तरह हम दूसरा अक्षर लेंगे 5। अब 5 के साथ 3, 5 के साथ 6, 5 के साथ 7। अगला अक्षर हम लेंगे 6। अब 6 के साथ 3, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 7। अगला अक्षर रह गया 7। अब हम 7 के साथ लेंगे, 7 के साथ 3, 7 के साथ 5 और 7 के साथ 6। इसके बाद ये संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, 3 15 05 28 129 4012। इसमें आपको 2 अंकों की संख्या पर गोला लगाना है। पहली संख्या है 3, इसमें कितने अंक हैं? 1। अगली संख्या देखिए, 15, 15 में कितने अंक हैं? 2। तो इस पर हम गोला लगाएंगे। क्या है 0 5? किसी संख्या के आगे 0 लगाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें उतने ही अंक रहते हैं। तो ये जो 5 है, 1 अंक की संख्या है। इसके बाद हम अगली संख्या देखते हैं, 28। इसमें 2 अंक हैं, इस पे हमने गोला लगाया। अगली संख्या देखिए, 129। इसमें कितने अंक हैं? 3। तो इस तरह यह भी संख्या पे गोला नहीं लगाएंगे। अगली संख्या है 4012, इसमें 4 अंक हैं, इस पर भी हम गोला नहीं लगाएंगे। अब निम्न संख्याओं का प्रयोग करके 2 अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो बच्चों, इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें जितने अंक हैं, 3 5 6 7, इसमें सबसे बड़ा अंक जिसका मूल्य सबसे ज़्यादा है वो छाटेंगे। इसमें सबसे बड़ा अंक है 7 और इसके बाद इसको छोड़ देंगे। तो इसके बाद सबसे बड़ा अंक है 6। तो पहले लिखेंगे हम 7, इसके बाद अंक बचे 3 5 6, इसमें से सबसे बड़ा अंक है 6। तो ये अंक यहाँ पर लिखेंगे तो संख्या बन गई 76। इसके बाद हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 3, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले छोटा अक्षर 3। अब इस 3 को छोड़ के 3 अंक बचे, 5 6 7। इसमें सबसे छोटा अंक है 5, तो इसके बाद हम लिखेंगे 5। तो इस प्रकार सबसे छोटी संख्या हुई 35। अब 2 अंकों की हमने सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो हमें सबसे पहले संख्याओं में अंकों का पता होना चाहिए कि अंक कौन कौन से होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 10 अंक हैं। इसमें से हमें सबसे पहले बड़ा अंक देखना होगा। 0 से लेकर 9 तक सबसे बड़ा अंक है 9, तो इसलिए 2 अंकों में एक अंक तो हो गया 9। तो अब दोबारा देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो दोबारा भी 9 ही है। तो इसलिए दूसरे अंक के स्थान पर हम 9 ही लिखेंगे। तो इस तरह हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनी 99। अब 2 अंकों की हमने सबसे छोटी संख्या लिखनी है, वही अंक हमारे पास दोबारा 0 से लेके 9 तक। तो इसमें हमें सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखना है। बच्चों, आप जैसे कि देख रहे होंगे कि इसमें आपको सबसे छोटा अंक 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी संख्या के शुरू में हम 0 नहीं लगाते। तो इसके बाद सबसे छोटा अंक है 1, तो पहले हम 1 लेंगे। इसके बाद अब देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है। अब सबसे छोटा अंक हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पीछे 0 लगने से उसके मूल्य में वृद्धि होती है, यानी कि वो बढ़ता है तो उसका मूल्य होता है। तो इसलिए हम सबसे छोटा अंक लगाएंगे 0। इस प्रकार से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई 10। अब प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। पहले हम पहला प्रश्न करेंगे,
पैटर्न पहचान कर समूह से अलग संख्या पर गोला लगाना है, यानी कि पहली संख्या इसमें 10, फिर 12, इसमें 2 का फर्क है, फिर 13, इसमें 1 का फर्क है, 13 के बाद 16, इसमें 3 का फर्क है, 16 के बाद 18, इसमें 2 का फर्क है। तो अब 10 से 12 का 2 का फर्क और 16 से 18 2 का फर्क, यानी कि इसमें हमेशा 2 का फर्क आ रहा है, 12 से 13 में 1 का फर्क आ रहा है। तो इस प्रकार इसमें जो 13 संख्या है वो अलग है, तो हम 13 पे गोला लगाएंगे। इसी प्रकार से 15, 16, 19, 21, 23, 15 से 16 में 1 का फर्क, 16 से 19 के में 3 का फर्क, 19 से 21 के बीच में 2 का फर्क, 21 से 23 के बीच में 2 का फर्क, यानी कि 19, 21, 23 ये ठीक हैं और 15, 16 में से 16 जो अंक है वो अलग है, तो इस पर हम गोला लगाएंगे। अब प्रश्न में एक में हमें 2 कदम आगे कूदना है, तो देखेंगे 8 से 10 के बीच में 2 कदम आगे कूदे, 10 से 12 के बीच हम 2 कदम आगे कूदे। इसे हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि दूसरे अंक में से हम पहला अंक घटा देंगे तो कितना आया 2, यानी कि हम 2 कदम कूद रहे हैं। तो इसी प्रकार हम 12 के आगे लिखेंगे 14, 14 से आगे 2 कदम 16, 16 से आगे 2 कदम 18, 18 से 2 कदम आगे 20। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल करेंगे, 26 में से 24 गए 2, यानी कि 2 अंक हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह 24, 26, 28 के बाद 30, 30 से 2 कदम आगे 32, 32 से 2 कदम आगे 34, 34 से 2 कदम आगे 36। अब 3 कदम हमें पीछे कूदना है, तो आप संख्याएं देखिए 16, 13, 10, 16 से 13 3 कदम पीछे कूदे, अब 13 से 10 हम 3 कदम पीछे कूदे। अगर हम घटा के देखें 16 में से 13 तो हमारा अंक आता है 3, तो इस प्रकार हमें 3 कदम आगे पीछे जाना है। तो 10 के बाद 7, 3 कदम पीछे गए, और 3 कदम पीछे चलेंगे 4, और 3 कदम पीछे चलेंगे 1। इसी तरह से 28 के बाद 3 कदम पीछे 25, 25 के 3 कदम पीछे 22, और 22 के 3 कदम पीछे 19, 19 के 3 कदम पीछे 16, 16 से 3 कदम पीछे 13, 13 से 3 कदम पीछे 10। अब इस चित्र को देखिए बच्चों, एक षटकोण में कुछ बिंदु बने हुए हैं, इन्हें हमें गिनना है। इनकी संख्याएं गिनें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो जितने बिंदु हैं इनको गिन के हमें इसमें पहले कॉलम में लिखना है। तो यहाँ अंक हो गए 16, तो यहाँ हम 16 लिख देंगे। इसके बाद अगली खाने में लिखना है संख्या में ढाई का अंक। इस संख्या में इकाई और ढाई का हमें अंक लिखना है, तो यहाँ पर इकाई का अंक आपके संख्या के पीछे से गिना जाता है। तो पहला अंक इकाई का, दूसरा अंक दहाई का। पहले बॉक्स में हम लिखेंगे 1 और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर 6 इकाई का अंक है और 1 दहाई का। तो बच्चों, इस तरह आपने 2 अंकों की संख्याओं की उछल कूद देखी। आगे हम आपको 3 अंकों की उछल कूद सिखाएंगे, यानी कि 3 अंकों की संख्या के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।